आज हम जब आर्यंस के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि आर्यंस आज भी जिंदा हैं, और अगर हैं तो कहाँ हैं। उनके प्रेजेंट को जानने से पहले हमें उनके पास्ट को जान लेना चाहिए। आर्यंस कहाँ रहते थे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो सेंट्रल एशिया या साउथ रशिया में रहते थे, लेकिन इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। उनके घूमने की आदत की वजह से उन्हें इंडिया आना पड़ा, और फिर इंडिया का नाम उन्होंने आर्यवर्त रख दिया अपने ही नाम पर। जब वो इंडिया आए तो यहाँ द्रविंस पहले से रहते थे। द्रविंस वो थे जो इंडिया में रहते थे और जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसी डेवलप सिविलाइजेशन को बसाई थी। आर्यंस और द्रविंस में बहुत दिन तक युद्ध चला, बहुत सी लाशें गिर गईं, और फिर कुछ दिन बाद दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गया, और फिर द्रविंस और आर्यन ने मिलके हिंदू धर्म को जन्म दिया और जाति का पार्टीशन कर दिया। सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण्स का काम उनके कल्चर को आगे की जनरेशन तक पहुंचाना था, क्षत्रिय का काम रूल करना, वैश्य का काम बिजनेस करना था, और शूद्र का काम साफ सफाई का था। आर्यंस और वेद के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं, मगर सच तो ये है कि वेद आर्यंस ने ही बनाया था। उनके लिए वेद पोयम का काम करते थे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें आर्यंस की देवताओं की शक्ति के बारे में लिखा होता था। सामवेद में सॉन्ग्स से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी होती थी, और अथर्ववेद में सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लिखा होता था। यजुर्वेद उनके बलिदानों के बारे में बताता था हमें। आर्यंस और द्रविण के बीच बहुत से अंतर थे। आर्यंस के देवता रथ पर सवार होते थे, जबकि द्रविण के जानवरों पर। आर्यंस जिसको सुप्रीम पावर मान के पूछते थे, उनसे उनका कोई ह्यूमन रिलेशन नहीं था, लेकिन द्रविण के भगवान अवतार लेते थे, जिससे कि द्रविण के गॉड और द्रविण के बीच ह्यूमन रिलेशन था। आर्यंस के गॉड केवल मैन मतलब आदमी ही होते थे, जबकि द्रविण्स के मैन के साथ साथ वुमेन भी होते थे। आर्यन के देवता कभी भी अर्थ पर नहीं आते थे, पर द्रविण्स के गॉड अर्थ पर आते थे। कुछ दिनों बाद द्रविण्स में से दो धर्म और निकले, जिनका नाम था बौद्ध और जैन धर्म। अकॉर्डिंग टू आर्यन्स बुक, उनके देवताओं की पूजा करने से वो अर्थ पे खुश रहते थे, और रीबर्थ किसी इंसान का ही होता था, जबकि द्रविण्स के गॉड सेल्वेशन देते थे बर्थ और डेथ से। द्रविण्स पहले से ही बहुत डेवलप्ड सिविलाइजेशन बसा चुके थे, जैसे कि मैंने पहले इस वीडियो में बता दिया है। और अब सवाल ये उठता है कि आर्यंस आज भी जिंदा हैं, तो आंसर है जी हाँ। हिंदू धर्म में आज द्रविण्स और आर्यन दोनों ही जिंदा हैं, मतलब सारे हिंदू आर्यंस ही हैं। कुछ आधे हिंदू आर्यंस हैं और आधे हिंदू द्रविण्स हैं, ऐसा कई बुक्स कन्फर्म करती है, और हमें म्यूजियम्स और हिस्टोरियंस के द्वारा भी यही पता चलता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कहती हैं कि आर्यंस ने द्रविण पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था और उनको पूरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है और इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है। इस वजह से अभी तक तो यही माना जाता है कि द्रविण्स और आर्यंस आधे आधे हिंदू हैं, और फिर बाद में इसे हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म निकला, जिस वजह से आर्यन और द्रविण्स की सभ्यता धीरे धीरे लुप्त होने लगी, और आज उन्हीं दोनों के मिक्सचर की वजह से हम इस हिंदू धर्म को देख पाते हैं। आर्यंस का काम था नदी पेड़ में रहने वाली आत्माओं को पूजना, जबकि द्रविण्स का काम था मूर्ति पूजा करना। लेकिन आज हिंदू धर्म दोनों ही करता है, मूर्ति पूजा भी और नदी और पेड़ में रहने वाली आत्मा भी। ये तो सिर्फ पार्ट वन था, लेकिन मैं आपको पार्ट टू में इससे आगे की कहानी बताऊंगा, और तब तक के लिए बाय।